धन्यवाद करूँ कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है 4% जो डीए बढ़ा था उसका बिल प्रोसेस होना एफएमएस पे शुरू हो चुका है और अधिकांश लोगों ने बिल बना लिए होंगे। एक जो समस्या आ रही है कि कुछ ऐसे साथी है जो अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जैसे मान लो कोई मार्च में 31 मार्च को या 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए हैं, उनका जो बिल है वो नॉर्मली अगर प्रोसेस से बनाएंगे तो उनका बिल है वो जीपीएफ में जमा होगा, जबकि वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके जीपीएफ वगैरह अकाउंट बंद हो चुके हैं, तो उसका बिल कैश का बिल किस तरीके से बनाएंगे वो प्रोसेस पूरा इस वीडियो में आपको लाइव करके बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एम्प्लॉय लॉगिन में जाकर यहाँ डीडीओ लॉगिन में जाकर के आपको यहाँ डीडीओ लॉगिन पर लॉगिन करना है और यहाँ से जाकर के आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद में एम्प्लॉय का जो स्टेटस है वो चेक करना है। इससे पहले मैं एक आपको बिल बता दूँ कि जो नॉर्मल बिल जो बनेगा डीए का वो किस तरीके से बनेगा। जैसे ये नॉर्मल बिल एक डीए का है, इसमें आप देखेंगे तो जो यहाँ से जैसे नेट पेड अमाउंट है, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ नेट पेड जो अमाउंट है वो यहाँ नेट पेड अमाउंट जीरो आ रहा है, सारा का सारा जो भी है वो जमा हो रहा है जीपीएफ 2004 या जीपीएफ में, जबकि जो सेवानिवृत्त कार्मिक है उनको ये कैश आना चाहिए, यहाँ जीरो की जगह जितना भी पेमेंट यहाँ है वो यहाँ कैश में आना चाहिए और नेट पेमेंट यहाँ जो जीरो आ रहा है उसकी जगह जो भी पेमेंट डीए बन रहा है वो आपके यहाँ शो होना चाहिए आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको काम करना है कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद में एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाना है और यहाँ सर्विस डिटेल्स में जाना है। सर्विस डिटेल्स में जाने के बाद में आपको यहाँ से उस कार्मिक को सिलेक्ट करना है जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जैसे ये कार्मिक है तो यहाँ जैसे सभी कार्मिक है जिनके यहाँ से देखेंगे तो स्टेटस एक्टिव आ रहा है, सर्विस स्टेटस जैसे टेम्प्रेरी आ रहा है, सब सर्विस स्टेटस रहने आ रहा है, यहाँ एक्टिव है, फिर सर्विस है परमानेंट आ रहा है, यहाँ रेगुलर आ रहा है, लेकिन जो रिटायर्ड कर्मचारी है उसके यहाँ जो भी है ये स्टेटस यहाँ एक्टिव की जगह रिटायर्ड आना चाहिए। जैसे यहाँ रिटायर्ड आ रहा है, अगर मान लो रिटायर्ड नहीं आ रहा तो आपको किस तरीके से उसको रिटायर्ड स्टेटस को चेंज करना है, तो यहाँ मॉडिफाई पे आपको जो भी कार्मिक उसके आगे मॉडिफाई पे क्लिक करना है और यहाँ आपको सबऑर्डिनेट जो भी सर्विस कैटेगरी है वो आपको देख लेनी है परमानेंट, और यहाँ जो एम्प्लॉय स्टेटस है यहाँ आपको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपके सामने अलग अलग ऑप्शन है, एक्सटेंशन है, रिमूवल है, रिजाइन है, रिटायर्ड है, सस्पेंशन है, वीआरएस है या ईपीओ, एक्टिव, डेथ, डेपुटेशन, तो जो नॉर्मली एक्टिव था उसको आपको यहाँ से रिटायर्ड सेलेक्ट करना है और यहाँ रिटायर्ड सेलेक्ट करने के बाद में अन्य जो भी डिटेल्स है यहाँ आपको अगर मान लो नहीं आ रही है तो आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर अपॉइंटमेंट डेट वगैरह ये भर करके आपको यहाँ एक पीडीएफ अपलोड करनी पड़ेगी, जो भी यहाँ से कोई भी पीडीएफ है। अब यहाँ जैसे अपॉइंटमेंट लेटर कन्फर्मेशन और ज्वाइनिंग में से कोई भी करके या सेवानिवृत्ति का आदेश यहाँ से अपलोड करके यहाँ अपलोड करेंगे तो ये अपडेट सर्विस डिटेल्स का ऑप्शन है, ये काम करना शुरू करेगा। अगर यहाँ कोई भी कॉलम ब्लैंक रहेगा तो ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये अपडेट सर्विस डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो डाटा है वो अपडेट हो जाएगा और जो कार्मिक की जो कैटेगरी है यहाँ जैसे रिटायर्ड आ रही है, अगर रिटायर्ड नहीं आ रही तो आपको यहाँ पहले रिटायर्ड लाना है, क्योंकि जब तक रिटायर्ड स्टेटस नहीं आएगा तब तक जो भी बिल बनेगा वो जीपीएफ में जमा होने का बिल बनेगा डीए का, तो वो बिल फिर काम का नहीं है, इसलिए आपको सबसे पहले एम्प्लॉय का स्टेटस चेंज करना है। ये करने के बाद में आपको वापस जैसे यहाँ बिल्स पर आना है और यहाँ जैसे जो बिल्स थे यहाँ बिल्स में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बिल्स में जाने के बाद में यहाँ से जैसे बिल्स है और यहाँ से आपको डीए का जो भी बिल था वो डीए वाला जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ डीए एरियर बिल इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको डीए एरियर मैनुअल इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप डीए एरियर मैनुअल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से पे मंथ है, ईयर है 24-25, पे मंथ मई आएगा तो मई सेलेक्ट करना है। अब आपको उस ग्रुप को सिलेक्ट करना है जिस ग्रुप में वो कार्मिक है, तो ग्रुप को सिलेक्ट करने के बाद में उसके बाद आगे क्या करना है तो मैं बताता हूँ। तो जैसे ही आपने ग्रुप सेलेक्ट कर लिया यहाँ इस ग्रुप में जितने भी कार्मिक है वो सारे शो हो जाएंगे। अब यहाँ जैसे एरिया नॉट प्रोसेस नॉट प्रोसेस, तो बाकी सारे कार्मिक तो अभी एक्टिव है लेकिन ये जो लास्ट में कार्मिक है जो अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं इनका यहाँ से जैसे इनिशिएट करेंगे, यहाँ इनिशिएट करेंगे तो ये आर यू श्योर वांट टू कन्फर्म द सबमिट द रिक्वेस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है, कन्फर्मेशन करना है, उसके बाद में सक्सेसफुली ये सबमिट हो गया है। अब आपको इस पर ओके पे क्लिक करना है, अब इनका बिल है वो आपको चेक करना है। अब चेक कैसे करेंगे तो यहाँ से जैसे ऑटो डीए एरियर प्रोसेस इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद में पे ईयर 2024-25 मंथ सेलेक्ट कर लें और ग्रुप सेलेक्ट कर लें, जो ग्रुप था यहाँ से आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपकी जो बिल अभी आपने प्रोसेस किया था वो यहाँ शो हो जाएगा। अब यहाँ शो हो जाएगा तो यहाँ से तो आप प्रोसेस करेंगे वो बात की बात है, लेकिन उससे पहले ये बिल को आपको चेक करना है, इसका जो इनर है वो डाउनलोड करके आपको चेक करना है कि जो बिल अभी जो शो हो रहा है वो जीपीएफ में जमा हो रहा है या कैश मिल रहा है, इनको कैश मिलना चाहिए। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ या यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता दूंगा। तो यहाँ से इसको मैंने डाउनलोड कर लिया और यहाँ से डाउनलोड करने के बाद में इसको थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे इसको जूम करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे तो ये जैसे मई आ गया। अब यहाँ
नेट अमाउंट टू बी पेड, यहाँ 31.08 और 31.08 यानी 6216, तो टोटल दो महीने का जो है जनवरी और फरवरी का 4% का जो डी है वो यहाँ अमाउंट टू बी पेड है वो कैश में आ रहा है, जबकि दूसरा बिल मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था यहाँ अमाउंट टू बी पेड है ये सारे जीरो आ रहे हैं, क्योंकि ये जो एक्टिव कार्मिक है जो अभी सेवा में है उनके बिल है, तो यहाँ सभी के यहाँ 0-0 आ रहा है, यानी नेट पे इनका 0 आ रहा है, जबकि ये जो कार्मिक है इनका यहाँ नेट पे है वो 31.08 और 31.08 कुल मिलाकर के 6216 है ये, और नेट अमाउंट है यहाँ जैसे नेट अमाउंट है पूरा का पूरा कैश आ रहा है और डिडक्शन अमाउंट 0 आ रहा है, जबकि यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ डिडक्शन अमाउंट पूरा का पूरा जो बिल है जैसे 18,000 का तीन कार्मिक चार कार्मिक का जो बिल है पूरा का पूरा बिल है वो डिडक्शन अमाउंट पर आ रहा है और नेट अमाउंट 0 आ रहा है, जबकि इसके उल्टा यहाँ आपके नेट अमाउंट पूरा आ रहा है और यहाँ डिडक्शन अमाउंट 0 आ रहा है। तो इस तरीके से आप पहले एक बार अच्छे तरह से चेक कर लें जो भी इनर आउटर शेड्यूल है यहाँ से, जैसे सेंक्शन में तो इसमें कुछ आएगा नहीं, आउटर है तो आउटर चेक कर लें, आउटर में कोई ज़्यादा मतलब नहीं, लेकिन आउटर में यहाँ से आप देखेंगे तो डिडक्शन अमाउंट है वो 0 है यहाँ, और जो भी पे है वो यहाँ पूरा का पूरा पे है वो कैश में हो रहा है, और इनर से आपके एकदम क्लियर हो जाएगा, मैंने आपको डिटेल में बता दिया, यहाँ से जो इनर आप चेक करेंगे तो इनर में पूरा का पूरा ये है वो कैश में आएगा और डिडक्शन अमाउंट 0 आ जाएगा, क्योंकि उनका पूरा जो डिडक्शन है वो यानी उनको कैश मिलना है, इसमें किसी तरह की कोई भी कटौती नहीं करनी है, ना जीपीएफ की करनी है ना इनकम टैक्स वगैरह करनी है। तो ये प्रोसेस था, मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूंगी, सबसे पहले आपको यहाँ से जो भी कार्मिक है उनको सबसे पहले आपको स्टेटस से वो चेंज करना है, यानी स्टेटस आपको एक्टिव की जगह रिटायर्ड कर देना है, स्टेटस चेंज करने के लिए आपको कन्फर्मेशन ऑर्डर या कोई भी एक आदेश रिटायरमेंट आदेश उसको आप अपलोड कर लें और जो डिटेल्स मांग रहा है वो आप कर लें, और उसके लिए आपको एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाकर के सर्विस मॉडिफिकेशन में जाकर के ये काम कर लें, उसके बाद में आपको डीए में जाकर के बिल मैनुअल प्रोसेस करना है, उसके बाद में ऑटो जो भी डीए है प्रोसेस उसमें जाकर के उसकी रिपोर्ट्स आपको चेक करनी है, उसके बाद में आपको ओटीपी के माध्यम से फॉरवर्ड कर देना है, तो जो भी बिल बनेगा वो आपके पूरा का पूरा कैश में बनेगा, जीपीएफ का डिडक्शन है वो 0 हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि किस तरीके से आप किसी सेवानिवृत्त कार्मिक का डीए एरियर का जो भी बिल बनाएंगे जिसमें सारा का सारा जो पेमेंट है उसको कैश मिलना है, जीपीएफ में नहीं मिलेगा, पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव बता दिया। इस संबंध में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।